नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। आपके साथ मैं हूं सौरभ जौहरी। सीधे ले चलेंगे आपको पानीपत, जहां पर छठ पर्व के उपलक्ष्य में कार्यक्रम चल रहा है। वहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सम्मिलित हुए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये सब लोग यही पे हैं, इतना दूर दूर तक है। हे मेरे भाई बहन, मैं तो पानीपत पहली बार आया हूं, लेकिन हमार मन करी कि छठ कहीं भी हो, मैं अपने बड़े भैया हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब के साथ पानीपत से होते हुए हरियाणा के अलग अलग जगह पे घूमूं। मुझे पता चला आज 300 जगह पे ऐसे छठ हो रही। कितने जगह पे? 300 जगह पे एक बार पुनः ऐसे धर्म संस्कृति के सहायकों के लिए हम सबको हमेशा आशीर्वाद देना चाहिए। जो लोग छठ करता जे खड़ा बाटे घाट के किनारे, आपको भी मैं मनोज तिवारी बारंबार प्रणाम करते हुए आपके बीच आने का सौभाग्य प्राप्त कर रहा हूं और धन्यवाद देता हूं अपने मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी को। आप सब अपना आशीर्वाद बनाए रहिए और एक बार सब लोग मिलके गाते हैं, दुजाता सूर जते पूजनवा, छठी मैया होई हसा, छठी मैया होई हसा, बोली छठी मैया की। दोनों हाथ उठा के बोली सूर्य भगवान की जय। वैसे हम गाना गाते हैं कि जिया हो बिहार के लाला, वैसे हम गाना गाते हैं रिंकिया के पापा, लेकिन आज तो हम कहने जाना चाहते हैं जिया हो बिहार के लाला, जिया हो छठ मैया के लाला और जिया हो हरियाणा के बाला। हे मेरी हरियाणा की बेटियों, छठ मैया की पूजा करते हुए तुम सफलता के सारे सोपान पूरा करो। एक लाइन कहते हुए आज मुझे खट्टर भैया को हरियाणा का लाला कहने का भी मन कर रहा है। हो अरे जिया हो बिहार के लाला, जिया तू हजार साल, अरे जिया हो हरियाणा के लाला, जिया तू हजार साल, जिया हो पानीपत के नौनिहार, छठी मैया से अपने सूर्य देवा से मन में आस लगाते आपन भाव पुराए भैया भैया भैया। दोनों हाथ उठा के कहिए छठी मैया की, सूर्य भगवान की। आप सब लोगों के बार बार प्रणाम। और मैं एक बार फिर से अपने हरियाणा के मुख्यमंत्री जी को, जिनका रूप तो मैंने बहुत देखा है, जिनका सुशासन का रूप देखा है, जिनका गांव-गांव लोगों को अपनी आइडेंटिटी कार्ड देने का रूप देखा है, छठ माई के भगत का ये रूप, हे भैया, हे मनोहर लाल भैया, आप हमेशा दिन दुना रात चौगुना छठी मैया की कृपा पाइए। भारत माता की, छठी मैया की, एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। और संजय भैया, या आपका जो क्षेत्र का प्रताप देख रहा हूं, माई तो के खूब बढ़ौले रहे, खूब धन्यवाद, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी का। मैं आपको बताऊं, इसमें मेरा कुछ नहीं है, यहां पूर्वांचल समाज की 30 संस्थाएं हैं, 30 संस्थाओं ने मिलकर मेहनत करके
दिन रात करके ये सारे समाज को, सभी संस्थाओं को, मनोज ये 30 संस्थाएं हैं जो वर्षों से यहां काम कर रही हैं, ये उस समय के मेरे साथी हैं जब मैं युवा मोर्चा में संघर्ष का थे तो सरकार कांग्रेस की होती थी, बड़े बड़े सेठ तो कांग्रेस की तरफ होते थे, मेरे ये पूर्वांचल के भाई दिन रात मेरे साथ मिलकर काम करते थे। बोलो छठी मैया की। धन्यवाद। अब मैं जिनको बुलाने जा रहा हूं, जो शुभ संदेश हमारे, जिनके कारण आज ये इतना दृश्य इतना भव्य बना, ऐसे माननीय मनोहर लाल जी, राजनीति के संत के रूप में जिन्होंने हर समाज का दिल जीता है, सभी महापुरुषों की जयंतियां मनाकर आज छठी मैया के इस पर्व को मनाने के लिए हमारे बीच में। अपल जहां जहां बैठल बा, दोनों हाथ उठाए बा, बोलो छठी मैया के, छठी मैया के, भारत माता के, भारत माता के। आज के इस पावन अवसर पर हमारे बीच में हमारे पूर्वांचल के नेता, जन जन के दिलों में वास करने वाले हमारे सांसद दिल्ली से भाई मनोज तिवारी जी, हमारे सांसद पानीपत करनाल भाई संजय भाटिया जी, हमारे यहां के मेयर बहन श्रीमती अवनीत कौर जी, पानीपत की हमारी जिला अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी, जनहित प्रवासी कल्याण समिति के जिला संयोजक श्रीमती मधु शुक्ला जी, संस्थापक श्री गणेश चौधरी जी, श्री आनंद झा जी, अध्यक्ष श्री चंदन मिश्रा जी, पूर्वांचल की अन्य सभी संस्थाओं के अनेक पदाधिकारी, शायद नाम तो सबके मैं नहीं ले पाऊंगा, लेकिन जितने नाम ले दिए वो भी सब जी, और जो नहीं लिए वो भी सब जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आप स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, आज का ये त्योहार, आज का ये उत्सव बहुत ही समय और स्थान और अवसर, इसका एक अनूठा संगम है। समय है कार्तिक मास की ये छठी पूजा का, ये समय है, और एक प्रकार का जो स्थान के नाते हम पानीपत के स्थान पर, जिस पानीपत की बहुत बड़ी महिमा हमारे मनोज भाई जी ने भी की है और बहुत इसका ऐतिहासिक महत्व भी है, ये हमारा स्थान और अवसर अवसर है आज का, एक प्रकार का महिलाएं बेटियां और बहनें इनके पावन त्योहार छठ पूजा का ये अवसर। मैं सबसे पहले तो आप सबको, ये महीना कार्तिक का महीना, इसके कितने ही त्योहार हैं, यानी एक प्रकार से दिवाली से शुरू हो जाता है और लगातार त्योहारों का ये एक परंपरा चली आती है, इन सात त्योहारों की, जो चले गए बीत गए जो आगे आने वाले, सभी की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। मुझे याद है कि जब पिछले दिनों में तीज के त्योहार के ऊपर हमने इसी पानीपत में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था, 50,000 बहनें करनाल पानीपत तीज का त्योहार, 50,000 हमारी बहनें वो उसमें उपस्थित हुई थी, और उसमें हमने कोथली देकर के सभी बहनों के कुशल क्षेम की ये प्रभु से प्रार्थना की थी, और उस दिन भी मैंने कहा था कि आने वाले समय में जितने हमारे बहन बेटियों के त्योहार आएंगे उन सब में मैं उपस्थित होऊंगा, हाजिर होऊंगा, उसी के प्रमाण के रूप में आज आपके बीच में छठ पूजा, जो हमारी बहनों का, बेटों बेटियों का, माताओं का यह त्योहार है, इस दिन मैं उपस्थित हुआ हूं। वैसे तो तीज के दिन से यह त्योहारों की श्रृंखला शुरू हो जाती है। तीज के दिन के बारे में ऐसी एक कहावत है बनी हुई कि आई तीज खिंडा गई बीज, आई तीज खिंडा गई बीज, और फिर होली बारे में कहा है कि आई होली भर गई झोली, अर्थात तीज जब आती है तो लगातार श्रृंखलाएं त्योहारों की शुरू होती हैं और अंत में होली तक ये लगातार त्योहार चलते हैं।
तो इन त्योहारों के इस अवसर पर हर व्यक्ति एक उमंग के साथ, उत्साह के साथ में भाग लेता है। आज उसका प्रमाण है, जहां तक देखता हूं वहां तक हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारी बेटियां लाइन लगाकर खड़ी हैं, घाट के ऊपर पूज रही हैं और घाट के पानी में घंटों से ये खड़ी हैं, सूर्य पूजा कर रही हैं। मैं इस अवसर पर उन्हें आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं इस पानीपत की धरती को प्रणाम करता हूं कि बेटियों के नाते प्रधानमंत्री जी ने और 16 अगस्त 2015 के दिन यहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो एक अभियान का श्री गणेश किया था, वो भी एक प्रकार से इस मानवता की सच्ची सेवा है कि जेंडर रेशियो अगर ठीक नहीं होगी तो उसके कारण से बहुत ही और बुराइयां समाज में पैदा हो सकती हैं। मुझे खुशी है आपको बताते हुए इस अभियान के बाद हरियाणा जिस प्रदेश को बेटियों के मारने वाला प्रदेश कहा जाता था, अब बेटियों को बचाने वाले प्रदेश में अग्रणी हो गया है। भाइयों बहनों, जो हमारी जेंडर रेशो उस समय 871 थी, 870-71 जेंडर रेशो कहा जाता था, आज वो बढ़कर के 932 हो गई है। हर 1000 पुरुषों के पीछे 50 से ऊपर लड़कियां जो पेट में गर्भ में मारी जाती थी उनको बचाने का काम हरियाणा ने किया है। मित्रों, ये वो पानीपत की धरती है, ये सब हुआ था गुरु तेग बहादुर जी का, जो हमने एक यहां बहुत बड़ा उत्सव किया था, वो भी हरियाणा की जनता के लिए एक प्रकार से बहुत ही स्मरणीय वो विषय है। तो आज के मैं कार्यक्रम की बात करता हूं तो आज ये पूजा का त्यौहार है और ये अर्चना का त्यौहार है, उपवास का त्यौहार है। हमारी बहनें उपवास रखती हैं और एक प्रकार से मंगल कामना सबकी मांगती हैं, सबके शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होने की मंगल कामना की ओर इनकी ओर से ये जो पूजा की जाती है। आज देश भर में लाखों करोड़ों महिलाएं इस उपवास के अंदर इस छठ पूजा के कार्यक्रम में भाग ले रही हैं। जहां तक हरियाणा का बात है, 300 स्थानों पर यह कार्यक्रम और इस समय लगभग 5 लाख परिवार इसमें सम्मिलित हुए हैं। एक बहुत बड़ा विशाल ये कार्यक्रम है। इस अवसर पर हमारे बीच में हमारे मनोज भाई अपने सांसद जो हैं, इन्होंने जो हमको आशीर्वाद दिया, जो हमारा मार्गदर्शन किया, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद हूं, आभारी हूं। मित्रों, भाई बहनों, आज के इस अवसर के ऊपर जैसा बाकी स्थानों पर ये कार्यक्रम हो रहे हैं, बहुत सी सुविधाएं उन स्थानों पर लोगों से की ओर से मांगी जाती हैं। ये अवसर एक और बात याद कराने का भी है कि ये त्यौहार हमारे यहां से 30 किलोमीटर दूर करनाल में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन हम सूर्य देवता की पूजा करते हैं, छठी मैया की पूजा करते हैं। कहते हैं सूर्य भगवान, छठी मैया, ये भाई बहन का इनका रिश्ता रहा है। और सबसे पहले सूर्य भगवान की पूजा ऐसा कहा जाता है महाभारत काल के अंदर, चूंकि कर्ण को ऐसा कहा जाता है वो सूर्य पुत्र कर्ण थे, और कर्ण सबसे पहले उनके नाम से जो करनाल शहर बना है दानवीर कर्ण, उन्होंने सबसे पहली पूजा करनाल के स्थान पर सूर्य देवता की थी, जहां आज सूर्य मंदिर बना हुआ है। बहुत हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे यहां करनाल से ये कार्यक्रम शुरू हुआ और आज सारे देश भर में, दुनिया भर में इस कार्यक्रम को मनाया जाता है। तो मैं तो आपसे ये कहूंगा कि जैसे हमने करनाल में ऐसे उत्सवों के लिए बहुत सी व्यवस्थाएं की हैं, साफ पानी वो आना चाहिए, उसके लिए घाट बनने चाहिए, तो यहाँ के हमारे बंधुओं ने भी हमको ये कहा था कि यहाँ के घाट की व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है। तो मैं उसके नाते से आपको ये बताना चाहता हूं कि अभी तक जो घाट है बहुत कच्चे घाट है, नहरों के ऊपर यहां 2 नहरें चलती हैं, उन नहरों के ऊपर एक आहुलाड़ा डिस्ट्रीब्यूटरी जो NFL के पीछे जो 700 फुट लंबा जो घाट है उस पर निर्माण करने की मांग आई है। तो सबसे पहले तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं कि इस जमीन को हमने घाट के लिए उपलब्ध करा दिया है और ये घाट जो है बनाया जाएगा, 2 करोड़ रुपया इसके ऊपर खर्च आएगा, तो इस घाट की मंजूरी मैं देता हूं। इसी प्रकार से मित्रों, इसी नाते से एक दूसरी मांग जो है, असंध रोड पर थर्मल चैनल, वहां भी 300 फीट घाट के निर्माण की यह एक आवश्यकता बताई गई है, डिपार्टमेंट ने उसको भी फिजिबल कर दिया है, 1 करोड़ रुपया लगा करके उस घाट की भी मंजूरी मैं देता हूं। इसी प्रकार से बाबरपुर पुल जो है वो मुख्य ड्रेन नंबर 2, वहां भी
एक घाट बनाया जा सकता है। 300 फुट के घाट के निर्माण के लिए 2 करोड़ रुपए की मंजूरी उस घाट की भी मैं देता हूं। भाइयों बहनों, एक बात और मेरे सामने रखी गई थी कि दोनों नहरों के बीच में एक जमीन है गांव की, और वो जो गांव है हमारा महराणा, उस गांव की महराणा की पंचायत से बात की है, अभी उन्होंने सहमति नहीं दी है। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि उस 5 एकड़ का अगर वो सहमति दे दें, बदले में हम उनको 5 एकड़ जमीन कहीं और दे सकते हैं, अगर वो मिलती है तो आपको उपलब्ध कराएंगे, और किसी कारण से पंचायत नहीं देती है तो उसमें से एक भूमि का टुकड़ा जिसके ऊपर सूर्य मंदिर का निर्माण हो सके, वो भूमि का एक टुकड़ा छोटा आपको जरूर लेके दिया जाएगा। और जब जमीन का प्रबंध हो जाएगा तो प्रारंभ में पहले एक प्रकार से पहले चरण में पहली किश्त के रूप में आज ही मैं जमीन लेने के बाद 21 लाख रुपया उस मंदिर को बनाने के लिए भी मंजूर करता हूं। भाई बहनों, यहां आपको पता है कि बहुत सी ऐसी कॉलोनीज हैं जो कॉलोनियां अभी विकसित पूरी तरह से नहीं है, वो नियमित भी नहीं थी। हमने पिछले साल भर में लगभग 1000 कॉलोनियों को नियमित किया है, और उस 1000 नियमित कॉलोनियों के लिए बहुत सा पैसा उसके विकास के लिए हमने रिजर्व किया है, और 1000 पूरे हरियाणा की है। जो हरियाणा की है तो पानी में भी जो जो कॉलोनी हमारी विकसित हुई है उसमें विकास कार्य होगा। 1000 कॉलोनी के लिए 2000 करोड़ रुपया हमने रिजर्व किया है, हर कॉलोनी में उसके काम आपके कराए जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको जो डिमांड्स आपकी थी वो सारी मैंने आपको बताई है। मैं तो इतना ही कहूंगा, हमारे प्रधानमंत्री जी महिलाओं के प्रति उनके मन में एक संवेदनशीलता है, महिलाओं के विकास के नाते उनको किस प्रकार से सहभागी ज्यादा बनाया जाए, तो उस रूप में मैं आपको याद कराना चाहता हूं। पार्लियामेंट में हमारे 2-2 सांसद यहां हैं, इनका भी धन्यवाद करता हूं। इन्होंने भी एक आरक्षण का बिल पास किया है कि आने वाले समय में जो हमारे चुनाव होंगे विधानसभा लोकसभा में, उसमें महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन, ये पार्लियामेंट ने एक प्रकार से बिल पास कर दिया है। हालांकि हमने पंचायतों में पहले से ही हरियाणा में 50% का प्रतिनिधित्व दे रखा है, लेकिन सारे देश भर की बात यदि सोचे तो 33% का आरक्षण भी ये पहली बार मिला है, तो निश्चित रूप से आगे महिलाओं की भागीदारी इसमें मिलेगी। हमारे जो गरीब परिवार हैं, श्रमिक परिवार हैं, हरियाणा ने बहुत सी योजनाएं उनकी बनाई हैं, और आपके परिवारों में भी बहुत ऐसे श्रमिक परिवार हैं जिनको बेटी की शादी के लिए 51,000 रुपया शगुन मुख्यमंत्री शगुन योजना के अंतर्गत हर बेटी की शादी पर जाता है, 50,000 रुपया उनकी शादी के प्रबंध के लिए वो अलग से जाता है, 1,01,000 रुपया हर बेटी की शादी पर उनको देते हैं, उनके सम्मान के नाते एक राशि, ये राशि 5100 रुपया वार राशि, ऐसी जो हमारी श्रमिक बहनें हैं उनके लिए उसमें दिया जाता है, और साथ में अगर सिलाई मशीन खरीदनी हो तो 3500 रुपया उसके लिए भी अलग से दिया जाता है। तो इस प्रकार से सहायता हम देते हैं महिलाओं की, श्रमिक महिलाओं की प्रसूति के ऊपर 3000 रुपया महीना 6 महीने तक, बल्कि 6000 एक साल तक, ये 36000 रुपया उन बहनों को भी ये दिया जाता है। हमने बहुत सी ऐसी योजनाएं बनाई हैं कि जो हमारे ऐसे गरीब परिवार हैं, ऐसे श्रमिक परिवार हैं, ऐसे जो लोग जिनको आर्थिक सहायता अथवा अन्य सहायता की जरूरत है, बहुत सी दर्जनों हमारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ निश्चित रूप से आप उठा रहे होंगे। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई इसमें अच्छे सुझाव हैं, और भी जो सुझाव आपको लगते हो देने हैं कि हमारे श्रमिकों के लिए उपयोगी रहेंगे, क्योंकि पानीपत शहर का जो श्रमिक है, ये पानीपत शहर में चाहे वो हरियाणा का है अथवा बाहर से कहीं से आया है, हमारी आर्थिक स्थिति में, हमारे औद्योगिक विकास में बहुत बड़ी भूमिका एक निभा रहा है। ये पानीपत हमारा टेक्सटाइल का हब है, इस पानीपत के इस हब में आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। हरियाणा में कृषि क्षेत्र में भी जो पूर्वांचल के लोग आकर के मेहनत करते हैं, उसका हमारे कृषि को भी बहुत बड़ा उपयोग है। और तो और भवन निर्माण में भी हम देखते हैं जो हमारे मजदूर, और उसके खास करके उसमें जब मैं देखता हूं हमारी बहनें माताएं, वो पुरुषों से भी ज्यादा ताकत लगाकर मेहनत करके काम करती हैं, मैं उनकी सराहना करता हूं कि इस हरियाणा के विकास में आप लोगों का जो योगदान है उसको भूला नहीं जा सकता, और निश्चित रूप से इसके लिए आपकी कोई भी जरूरत है उसको हमेशा पूरा किया जाएगा। आज इस अवसर पर इतनी बड़ी संख्या में,
इतनी बड़ी संख्या, लगभग 50,000 से ऊपर हमारी बहनें माताएं यहां हैं, हमारे भाई भी यहां खड़े हैं, उनको इस अवसर पर बहुत बहुत अपनी ओर से हरियाणा सरकार की ओर से बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं। और हमारे मनोज तिवारी जी का भी मैं हार्दिक तौर पर बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने आज समय दे करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।